हेलो एवरीवन आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश एन सी आर टी क्लास सिक्स का चैप्टर थर्ड रिवॉर्ड। रिवॉर्ट यंग वुड कटर नेम तारो लिव विद हिज मदर एंड फादर ऑन अ लोनली हिल साइड एक जवान लकड़ी काटने वाला लड़का था जिसका नाम था तारो वो अपने माता पिता के साथ एक बहुत ही अकेली सी हिल के हिल मतलब होता है पहाड़ के पास रहता था ऑल डे लॉन्ग ही चॉप्ड wood इन द फॉरेस्ट पूरे दिन वो जंगल में लकड़ियाँ काटा करता था चॉप्ड का मतलब होता है काटना छोटे छोटे पीसेज में किसी भी चीज़ को काटने को कहते हैं चॉप करना दो ही वर्क वेरी हार्ड ही अर्नड वेरी little मनी जबकि वो मेहनत तो बहुत ज़्यादा करता था मगर वो बहुत ही कम कमा पाता था दिस मेड हिम sad. फॉर ही थाट ही फॉर सॉरी फॉर ही वॉज अ थाटफुल सन एंड वॉन्टिड टू गिव हिज ओल्ड पेरेंट्स एवरी थिंग दे वॉन्टेड और इस बात से वो थोड़ा दुखी हो जाता था कि वो इतनी मेहनत करने के बाद भी बहुत ही कम पैसे कमा पाता है वो अपने माता पिता का बहुत ही ध्यान रखने वाला जो था बेटा था आ, मगर वो अपने माता पिता की ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पाता था ये बात उससे बहुत दुखी कर देती थी वन इवनिंग वन तारो एंड एक्सपेरेंस फॉर सिटिंग इन अ कॉर्नर ऑफ देयर हर्ट अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ग्लो और एक शाम जब तारो और उसके जो मम्मी पापा थे वो अपनी जो, जो उनकी कुटिया थी हट का मतलब होता है कुटिया उसके किनारे बैठे हुए थे तभी जो है हवा चलने लगी बहुत तेज इट विसिल थ्रू द क्रैक्स ऑफ द हर्ट एंड एवरी वन फेल्ट वेरी कोल्ड वो इतनी तेज़ चल रही थी तो ऐसा लगा जैसे कि उनकी हट के अंदर घुस गई हो वहाँ पर और बहुत ही सबको ठंड लगने लगी थी सडनली तारो इज़ फादर सेट आई विश आई हैड अ कप ऑफ सेक इट वुड वॉम मी एंड डू माई ओल्ड हार्ट गुड तभी उसके जो तारो के जो फादर होते हैं वो कहते हैं काश मेरे पास एक कप ऑफ सेक होता मतलब एक सेक का कप होता जिससे मुझे गर्मी मिलती और मेरे बूढ़ा जो मन है उसको थोड़ी शांति मिलती सेक जो था ना एक बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध जापान की एक ड्रिंक थी जिसको मतलब फा का मतलब होता है पिता और की Uh, मतलब एक राइमिंग वर्ड्स होता है तो मतलब जो सेक था ना वो इस टाइप का वो ड्रिंक थी जिसको पी के गर्मी मिलती थी दिस मेड तारो सेटर देन एवर फॉर द हार्ट वार्मिंग ड्रिंक कॉल सेक वॉज वेरी एक्सपेंसिव ये सुनकर कि उसके फादर को सेक पीना है तारो को बड़ा दुख हुआ क्योंकि वो तो उनको ख़रीद कर दे नहीं सकता था क्योंकि जो सेक होता था वो बहुत ज़्यादा महंगा होता था एक्सपेंसिव का मतलब होता है महंगा हाउ डू आई अर्न मोन मनी ही आस्ट हिमसेल्फ तो उसने खुद से पूछा कि कैसे मैं ज़्यादा पैसे कमा सकता हूँ हाउ डू आई गेट अ लिटिल सेक फॉर माई पुअर ओल्ड फादर ही डिसाइडेड टू वर्क हार्डर देन बिफोर उसने सोचा कि मैं कैसे अपने बूढ़े पिता को ये सेक ला के दे सकता हूँ फिर अगले दिन से उसने सोचा कि मैं और भी ज़्यादा मेहनत से काम करूँगा नेक्स्ट मॉर्निंग तारो जम्प आउट ऑफ बेड अर्लियर देन यूजअल एंड मेड हिज वे टू द फॉरेस्ट तो अगली ही सुबह तारो अपने बेड से उठ गया जल्दी बाकी दिनों के कंपैरिजन में बाकी दिन वो थोड़ा लेट उठा करता था मगर जिस दिन उसके पापा ने कहा कि उसको सेक की बहुत मन कर रहा है पीने का सेक तो उसके नेक्स्ट डे वो बहुत जल्दी उठ गया और जंगल की तरफ निकल गया ही चॉप एंड कट शॉफ्ट एंड कट एज अ सनक्लाइंट एंड सोन ही वॉज सो वाम देट ही हैड टू टेक ऑफ हिस जैकेट फिर जैसे ही वो जंगल पहुँचा उसने पेड़ों को काटना और लकड़ियाँ करना शुरू कर दिया वो इतनी मेहनत कर रहा था कि उसे गर्मी लगने लगी और अपनी जैकेट उतारनी पड़ी हिज माउथ वॉज ड्राई एंड हिज फेस वॉज वेट विथ स्वेट उसका जो गला है वो सूख गया था उसका मुंह भी सूखा सा हो गया था उसके जो फेस था उस पूरे पे पसीना आ गया था स्वेट का मतलब होता है पसीना माई पुअर ओल्ड फादर ही थाट इफ़ ओनली ही वॉज एज वॉम एज आई तो वो सोचता है काश मेरे बूढ़े जो पिताजी हैं वो इतने गर्म हो पाते जितनी की गर्मी अभी मुझे लग रही है एंड विद डैट ही बिगेन टू चॉप यून फास्टर थिंकिंग ऑफ एक्स्ट्रा मनी ही मस्ट अर्न टू बाय द सेक टू वॉम द ओल्ड मैं बोन्स तो फिर ये सोचकर वो और भी ज़्यादा मेहनत से काटने लगा लकड़ियाँ जिससे कि वो थोड़ा ज़्यादा पैसा कमा पाए और अपने जो पिताजी हैं उनके लिए सेक ला पाए जिससे कि उनकी हड्डियों को और उनके दिल को आराम मिल सके देन सडनली तारो स्टॉप चॉपिंग तो एकदम से उससे क्या हुआ तारों ने काटना बंद कर दिया वट वॉज देर साउंड ही हर्ड कुड इट बी कुड इट पॉसिलिबी अ रशिंग वाटर फिर एकदम से उसने अपनी जो लकड़ियाँ थी वो काटनी बंद की क्योंकि उससे एक आवाज़ आ रही थी अजीब टाइप की तो वो आवाज़ जो थी वो थी पानी के बहने की तारों कोड नॉट रिम्बर एवर सींग और हियरिंग अशिंग स्ट्रीम इन दैट पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट और तारों को बिल्कुल भी याद नहीं आ रहा था कि वहाँ पर कोई स्ट्रीम हो पानी की जिसमें से पानी बहता हो उस स्ट्रीम का मतलब होता है जैसे कि नदी बहती है ना उसी टाइप की एक पानी का झरना टाइप का निकलता है उसको हम स्ट्रीम बोलते हैं

उसने देखा एक बहुत ही प्यारा सा जो झरना था जो एक पहाड़ी के पीछे छुपा हुआ था नीलिंग एट अ प्लेस वाटर फ्लोट क्वाइटली ही little लिटिल इन ही cupped अ लिटिल इन हिज हैंड्स एंड पुट इट टू हिज लिप्स तो नीलिंग का मतलब होता है झुकना तो वो झुका उस पर जहाँ पर पानी बह रहा था वहाँ पे उसने अपने हाथों को कप जैसा बनाया जैसे हम पानी पीने के लिए अपने हाथ दोनों में लाते हैं पानी पीते हैं ऐसा ही उसने किया फिर उसको एकदम से कुछ अलग लगा वॉज इट वाटर और वॉज इट सेक ही and एंड ऑलवेज इट it द the सेक इन instead ऑफ कोल्ड वाटर और जैसे उसने वो पानी पिया तो उसको एकदम से लगा ये पानी है सच में या फिर ये सेक है तो उसने फिर से पिया तो उसने कहा ये तो बिल्कुल गर्म सेक जैसा लग रहा है ठंडा पानी तो बिल्कुल भी नहीं है तारोकॉ इडली फिल्ड दिचर ही हैड विद him एंड हरीड होम तो उसके पास जो छोटा सा घड़ा था ये देखिए जैसे पिक्चर में है पिक्चर होता है जैसे कि छोटा सा घड़ा टाइप का होता है और इसका आगे लंबा सा मुंह बना होता है इसको पिक्चर बोलते हैं इसको पानी वगैरह भरने के काम आता है ये तो उसने क्या किया वो पिक्चर को भरा फटाफट से उस सेक से और वो घर की तरफ चला गया द ओल्ड मैन वॉज डिल्लाइटेड विद द सेक और जो ओल्ड मैन थे उसके फादर थे उनको बड़ी खुशी हुई उस सेक को पी करके आफ्टर Only one swallow of liquid, he stopped shivering and did a little dance in the middle of the floor. और जैसे ही उन्होंने एक सिप लिया उस लिक्विड का उनका कांपना बंद हो गया और वो सामने वाले जो फ्लोर था उनके उसके सामने डांस करने लगे शिवरिंग का मतलब होता है कांपना और स्वेलो का मतलब होता है सूजा हुआ दैट आफ्टरनून अ नेबर स्टॉप बाय टू सॉरी दैट आफ्टरनून अ नेबर स्टॉप बाय फॉर अ विजिट और उसी शाम क्या होता है कि उनका एक पड़ोसी उनके घर आता है तारोज फादर पोलाइटली ऑफर्ड हर अ कप ऑफ द सेक तो जो तारो के जो फादर होते हैं वो अपने जो नेबर आते हैं उनके घर उनको देते हैं सेक पीने के लिए द लेडी ड्रैंक इट क्रीडिली एंड थैंक्ड द कोल्ड मैन जो लेडी होती है ना वो उसको पीती है ग्रीडीली का मतलब होता है लालची जो ग्रीडी होते हैं ना उसको बोलते हैं लालची तो वो बिल्कुल लालच के में उसको पीती है और ओल्ड मैन को थैंक यू बोल के वहाँ से चली जाती है देन टारो टोल्ड हर स्टोरी ऑफ द मैजिक वाटरफॉल टारो जो है अपने जो जादुई वाटरफॉल होता है जो उसको मिलता है जंगल में उसके बारे में बताता है थैंकिंग देम फॉर द डिलीशियस ड्रिंक शी लेफ्ट इन द हरी तो वो जो होती है वो उसको उनको लोग को थैंक यू बोलती है उनको इतनी अच्छी जो ड्रिंक है उसको पिलाने के लिए और फटाफट वहाँ से निकल जाती है बाई नाइट फॉल शी हैड स्प्रेड द स्टोरी थ्रू आउट द होल विलेज तो पूरी मतलब रात होते तक ही उसने जो ये स्टोरी होती है जो तारों से बताता है कि उसको जंगल में ऐसा वाटरफॉल मिला था जिसमें वाटर नहीं सेक था ये बात पूरे के पूरे जो उनका गांव होता है उसमें फैल जाती है दैट इवनिंग देर वॉज अ लॉन्ग प्रोसेशन ऑफ विजिटर्स टू द वुड कटर्स हाउस तो उस शाम क्या होता है बहुत सारे लोग तारों के घर आते हैं इवन मैन हर्ड द स्टोरी ऑफ द वॉटर फॉल एंड टुक अ सिप ऑफ द सेक हर मैन ने जिसने वाटर फॉल की कहानी सुनी थी वो आते हैं और जो सेक हैं उसको पीते हैं इन लेस दैन एंड आर द पिक्चर वॉज एम टी और एक ही घंटे में वो जो पिक्चर भर के लाया था तारों वो खाली हो जाता है एम टी का मतलब होता है खाली होना नेक्स्ट मॉर्निंग तारो स्टार्ट फॉर वर्क इवन अर्लियर दिन द मॉर्निंग बिफोर उसके अगले दिन क्या होता है तारो और जल्दी जाता है काम पर ही कैरीड विद हिम द लार्जेस्ट पिक्चर ही ओन्ड फॉर ही फॉर ही इंटेंडेड फर्स्ट ऑफ ऑल गो टू द वॉटरफॉल तो तारो क्या होता है और बड़ा पिक्चर अपने साथ लेके जाता है क्योंकि वो सोचता है कि वो वाटर फॉल पर जाएगा और उसमें सेक को भर के लाएगा वेन ही रीच डट ही फाउंड टू हिज ग्रेट सरप्राइज़ ऑल इज नेबर्स देयर और जैसे ही वो वहाँ पहुँचता है वो देखता है उसके सारे के सारे पड़ोसी वहीं पर मौजूद थे वॉटरफॉल के पास देवर कैरिंग पिक्चर्स जार्स पकेट्स एनी थिंग दे कु फाइन टू होल्ड द मैजिक सेक वो लोग पिक्चर्स ले जा रहे थे जार ले जा रहे थे बाल्टियाँ मटके हर चीज ले जा रहे थे वो जिसमें वो सेक को भर के ला सकते थे देन वन विजर नेल्ट एंड हेल्थ हिज माउथ अंडर द वॉटर फॉल टू ड्रिंक तभी क्या होता है एक गाँव वाला नेल्ट मतलब छुपता है और अपना हाथ आगे बढ़ाता है उस वाटर फॉल से उस सेक को पीने के लिए ही ड्रैंक अगेन एंड अगेन एंड देन शाउट इड एंड रिली वाटर नथिंग बट वॉटर फिर क्या होता है कि जैसे वो उसको पीता है फिर वो दोबारा दोबारा से पीता है चक्के देखता है वो कहता है अरे ये तो कोई सेक वेक तो नहीं है ये ये तो सिर्फ पानी है वो चिल्लाता है पानी पानी कुछ भी नहीं है ये सिर्फ और सिर्फ पानी है बाकी जो लोग होते हैं वो भी ट्राई करते हैं अदर्स ऑल्सो ट्राई पर स्नो सेक ओनली कोल्ड वाटर बाकी लोग भी उसको ट्राई करते हैं मगर कुछ नहीं होता वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ठंडा पानी होता है वी हैव बीन ट्रिक्ड शॉर्ट एड दिलेज जो विलेजर्स होते हैं वो चिल्लाते हैं कि हम लोगों को बेवकूफ़ बनाया गया है ट्रिक का मतलब होता है बेवकूफ़ बनाना या धोखा देना फेयर तारो लेट एस ड्रॉन हिम इन दिस वाटरफॉल वो कहते हैं ये तारो कहाँ है आओ हम मिलके उसको इस पानी में डुबो दें बट तारो हैड बीन वाइज एनफ टू स्लिप बिहाइंड अ रॉक वैन ही सॉ हाउ थिंग्स वर गोइंग बट तारो जो होता है वो काफ़ी होशियार होता है और चुपचाप उस जो पहाड़ होता है उसके पीछे छुप जाता है ये देखने के बाद कि वहाँ क्या चल रहा है तो फिर लोग उसको ढूंढ रहे होते हैं बट ही वॉज नो वेयर टू बी फाउंड वो कहीं भी नहीं मिलता है मटरिंग देयर एंगर एंड डिसअपॉइंटमेंट विलेजर्स लेव द प्लेस वन बाय वन अपनी जो भी भड़ास होती है वो निकालने के बाद अपना गुस्सा निकालने के बाद और बहुत ही निराश होके डिसअपॉइंटमेंट का मतलब होता है निराश होना निराश होकर जो गांव वाले होते हैं वहाँ से एक एक करके सबके साथ सब चले जाते हैं तारो केम आउट फ्रॉम इस हाइडिंग प्लेस तारो जो है अपने जहाँ पे छुपा होता है उस जगह से बाहर निकल के आता है वॉज इट ट्रू ही वंडर वॉज द सेक अ ड्रीम उसे लगता है क्या ये सच में गलत है जो सेक कल मुझे मिला था वो कुछ नहीं एक सिर्फ और सिर्फ सपना था वंस मोर ही कॉट अ लिटिल लिक्विड इन हिज हैंड एंड पुट इट टू हिज लिप्स तो फिर दोबारा वो वॉटरफॉल के पास जाता है और एकदम से थोड़ा सा उसको पीने का ट्राई करता है इट वॉज द सेम सेक वो कहता है कि ये तो बिल्कुल वही सेक है जो मुझे कल मिला था टू द थॉटफुल सन द मैजिक वाटरफॉल गिव द डिलीशियस सेक टू एन एल्स इट गेव ओनली कोल्ड वाटर तो वो जो झरना था वो जादुई था वो जो अच्छा बच्चा था तारो बहुत अच्छा था अपने पेरेंट्स की हेल्प करता था उनका ध्यान रखता था उन सिर्फ तारो के लिए वो जो वाटरफॉल था वो सेक देता था और बाकी सारे लोग जो थे उनको ठंडा पानी ही देता था द स्टोरी ऑफ तारो एंड एंड इज मेजिकल वाटरफॉल फ्रिश द एम्पर ऑफ जापैन ये वाली जो कहानी थी ये जो तारो की जो कहानी थी मैजिकल वाटरफॉल की कि वो जो वाटरफॉल है वो तारो को सेक देता है बाकी को ठंडा पानी देता है ये कहानी जापान के राजा तक पहुँच गई एम्पर का मतलब होता है राजा ही सैन फॉर द यंग वुड कटर एंड रिवॉर्डेड हिम विद ट्वेंटी पीसेस ऑफ गोल्ड फॉर हैविंग बीन सो गुड एंड काइंड तो वो क्या करता है तारो को तारो वुड कटर था उसको बुलावा बेचता है और उसको बीज सोने के सिक्के देता है क्योंकि वो बहुत ही अच्छा और दयालु था इसलिए देन ही नेम द मोस्ट ब्यूटीफुलंदर फाउंटेन इन द सिटी आफ्टर तारो फिर क्या करता है राजा जो सबसे सुंदर फाउंटेन फाउंटेन ऐसा होता है कि नीचे से पानी जा रहा है फिर ऊपर आके फिर नीचे की तरफ आता है देखे होंगे आप लोगों तो ने फाउंटेन्स तो उसका वहां का जो सबसे खूबसूरत फाउंटेन था उसका नाम वो तारो रखता है द सेट द एम्पर फॉज टू एनकरेज ऑल चिल्ड्रेन टू ऑनर एंड ओबे देअर पेरेंट्स ये एमपेरियड इसलिए करते हैं ताकि जितने भी बच्चे हैं वो सब इनकरेज हो मतलब प्रोत्साहित हो अपने पेरेंट्स का ऑनर मतलब सम्मान करने के लिए और उनकी बात मानने के लिए तो आपको कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं अच्छा लगा तो लाइक करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए थैंक यू सो मच